शादियों में हम लोग इतनी दौड़ भाग करते हैं ऑफिस के लिए जॉब के लिए नहीं थकते हैं थक जाते हैं तो वहाँ तो जगत के लिए थकते हैं यहाँ परमात्मा के लिए थके तो थकान जायज़ है कई कई पुराने संस्कारों की कई अशुद्धियों की धोने की थकान तो जरूरी है कई जन्मों की थकान मिटाने के लिए कुछ घंटों की कुछ पलों की थकान हो तो जायज है थकान अच्छी है दाग अच्छे हैं ना एडवरटाइज आती है ना दाग अच्छे हैं आती है कि नहीं आती तो ये थकान भी अच्छी है मिलती रहनी चाहिए थोड़ी बहुत तो हम तो कितने जन्मों से थक रहे हैं चलते 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 शरीर चलता है तो दो घंटा चार घंटा पंद्रह मिनट बीस मिनट बैठा रहा चलता रहा एक ही पोजीशन में रहा एक ही स्थिति में रहा तो भी थकता लोग सोते सोते भी थक जाते हॉस्पिटल वालों को पूछो सो सो के बड़ा थक जाते हैं बेड सोल्स हो जाते हैं थक जाते हैं अगर बैठा रहा कोई इंसान कई घंटों तो भी थक जाता थकता कि नहीं थकता पर कभी ये सोचा है कि इस शरीर से हम जितना चलते हैं या जो बहुत साधन कर लेते हैं या जो थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं उसमें हमें जो थकान लगती है हम कई जन्मों से चलते आ रहे हैं कई जन्मों से हम अपने संस्कारों से वशीभूत विषय वासनाओं के वशीभूत हम चलते आ रहे क्या थके नहीं होंगे आत्मा थक ही तो रही है तो अगर उस कई जन्मों के संस्कारों की थकान को मिटाने के लिए अगर धर्म भक्ति व्रत उपवास की थकान आ जाए तो पेड़ा पार हो जाए अध्यात्म कहता है कि साधन करके कभी थकना नहीं चाहिए यदि हम साधन ईश्वर के लिए कर रहे हैं यदि हम साधन अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं तो निराशा तो आती है पर फिर से उत्साह से भरकर हमें फिर लगना चाहिए क्योंकि हमें कई जन्मों की थकान अभी मिटानी है इसलिए थकना मना है उस थकान का क्या करेंगे जो कई जन्मों में हमें मिलती आ रही है सोचो कि हम अगर कुछ घंटे चल लेते हैं तो हम थक जाते हैं पर हम जो जन्मों से चल रहे हैं, क्या उसकी थकान नहीं होगी हमारे पास होगी नहीं होगी हाँ इसीलिए यत्नपूर्वक धर्म करना चाहिए यत्न पूर्वक कर्म परमात्मा के लिए करना चाहिए यत्नपूर्वक कर्म को योग बनाते हुए चलना चाहिए यत्नपूर्वक साधन में मन ना लगे भजन में मन ना लगे तब भी, भी नाम जप करते चलना चाहिए मन ना लगे शरीर ना चले तब भी, भी गुरु के द्वार भगवान के द्वार चलते रहना चाहिए कभी ना कभी तो सुनेगा ना और जब वो सुनेगा तो हमारी सारे जन्मों की जो की गई प्रार्थनाएं हैं गिराए गए आंसू हैं वो एक बार में सफल कर देगा इसीलिए हम कहते बार बार हे नाथ मैं तेरा हूं हे दीनानाथ दया करो हे कृपा सिंधु कृपा करो हे करुणा सिंधु करुणा करो करुणा जब वो कृपा करने पर आए तो सारा पिछला हिसाब किताब गायब हो जाता लोन माफ हो जाती है ना जब सरकार जग जाए, है, है कि नहीं किसान आप सुनते हो ना कि किसानों ने लोन लिया फिर आत्महत्याएं की धरने प्रदर्शन होते हैं गुहारें लगाई जाती है लगाई जाती कि नहीं तो यहाँ की सरकार भी आत्महत्याओं को रोकने के लिए किसानों के बोझों को कम करने के लिए जब सुनवाई होती है तो किसानों के कर माफ़ कर देती है करती है नहीं करती लोन माफ़ कर देती है तो जीवन बल्ले बल्ले हो गया तो सारे पीछे वालों ने जितनी मेहनत की इस पीढ़ी को आनंद मिल जाता है तो हम लोग भी जब जब परेशान होते हैं पुकारते तो भगवान को ही हैं देखिए ये माया है कि हमें लगता है कि शायद हमारा पति हमारी रक्षा कर रहा हमारी पत्नी कर रही है हमारे बाल बच्चे हमारे साथ हैं वास्तव में हम लोग जब भी रोते हैं जब भी परेशान होते हैं तो कोई माने या ना माने कोई जाने या ना जाने पर हम भगवान के अलावा किसी के लिए नहीं रोते ये बहुत पक्का है आपको केवल मूर्ति दूसरी दिखाई देती है कि बेटे का भला ना हो जाए उसका ये हो जाए ये हो जाए तो ये हो जाए वो किसके आगे गुहार होती है परमात्मा के आगे होती है कोई जानता है चाहे नहीं जानता वो सर्वव्यापी परमात्मा अपनी पकड़ छोड़ता नहीं है ये बात पक्की है उसकी पकड़ मजबूत है कोशिश हमें ये करनी है कि होश के साथ होश के साथ उसके लिए कर्म करें होश के साथ उसको पाने का यत्न करें तो हाजरा हजूर लेकिन can... तो जब हमारी गुहार कई वर्षों की कई जन्मों की किसी किसी प्रकार से की हुई जब एक बार सरकार की सुनवाई हो जाए तो सारे लोन माफ हो जाती तो सरकार को थोड़ा जगाना पड़ता है ना सरकार भी सोती रहती है बहुत सारे काम है ना उसको किस किस को ध्यान देगी तो आप हमेशा उसको टक 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 नोक 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 किया करो कि भाई हम खड़े हैं लाइन में हम खड़े हैं बंधु दया करो कृपा सिंधु कृपा वो भी सोचेगा है नलायक देखता नहीं तभी भी पुकारता है चल थोड़ा देख ही लेता हूं तो एक बार देख भी लिया ना सारे कर माफ है सारे लोन माफ है कुछ करना बचता नहीं बोलो है कि नहीं है हाँ ना अगर यहाँ की सरकार जग जावे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती ये तो सरकारों की सरकार है कि नहीं है और सरकारों की सरकार है उसकी कृपा हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए आदमी तो कर्म करो कर्म करने की मनाही नहीं घर का काम करो फिर भी पुकारते रहो बार बार याद करते रहो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ उसको पता होना चाहिए कि आप किसी न किसी रूप से उसको छोड़ोगे नहीं और माँ काम करती है ना रसोई में तो बच्चा बहुत रोता है रोता है तो उसको झुंझुनू देगी मिट्टी का खिलौना देगी शक्कर का खिलौना देगी क्यों देगी डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुझे शांति से बैठने दे ऐसा ही होता है कि नहीं होता है जो माएँ बनी होंगी उन्हें पता है जब बच्चा बहुत परेशान तो पहले तो चिल्लाती है क्या आ, सारा दिन जान खा जाता है। ये ले खेल, वो कुछ भी दो और नहीं माने तो क्या करेगी उठा लेगी कितने ही काम में होगी उठा लेगी माना कि इसको भी बहुत सारे काम है पर माना कि हमारे लिए तो वेला है पर कब जब हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तब तो ये ऐसा कब हो सकता है कि आपको जो कुछ भी कर्म मिला है जो भी आप कर रहे हो बस हर थोड़ी देर में स्मरण करना ये तेरे लिए किया मैंने ये तेरे लिए किया जब आप दो मित्र हो या आप पति पत्नी हो और उससे गलती भी हो जाए पत्नी से गलती हो जाए और वो आके कह दे कि ये मैंने आपके लिए किया तो मूर्ख थी ऐसा नहीं करना था पर अब मैंने तो यही सोचा कि मैं आपके लिए कर रही हूँ तो मैंने कर दिया चल ठीक है अब तू अंदर ही रहना मैं निपटा के आता हूँ तो? किया है अब सब मुझे ही संभालना पड़ेगा बोलेगा नहीं बोलेगा अगर पत्नी उसको ये कहती रहे कि मैंने तेरे लिए किया तो उसको लगता है बोझा मेरे सिर है जिम्मेदारी मेरे सिर पे ठीक करने की तो अगर हम भी हर कर्म तेरे लिए कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी तो ठीक कर देगा अच्छा होगा तो आगे बढ़ा देगा तो अगर गुरु के लिए श्रद्धा है तो गुरु को कहते रहो तेरे लिए कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ इतना ही करना बस रहीदास तो चमड़ा उधेड़ते थे क्या कर्म था वैसे आप देखो तो अभी तो हम कहीं नॉनवेज बनता हो होटल में हम वहाँ रुकना पसंद नहीं करते है ना? नॉनवेज की दुकान पर जाना पसंद नहीं करेंगे अगर उस मार्केट से गुजरना पड़े तो ऐसे हो जाता है और वो रहीदास चमड़ा उधेड़ते थे कसाई थे फिर भी यदि उसका कसाई पना भक्ति में बदल सकता है तो हमारा हर कर्म क्यों नहीं सब कुछ हो सकता है। केवल हमारी दृष्टि बनी रहनी चाहिए बस दृष्टि बनी रही तो उसकी दृष्टि भी हम पर बनी रहेगी हमारी नहीं बनी रहती तो उसकी भी नहीं बनी रहती वो फिर हर थोड़े थोड़े दिन में बेचता रहता है अपने नौकर चाकरों को थोड़ी दृष्टि उगाड़ो दृष्टि खोलो कि मेरे सेवा कुछ नहीं है भावनाएं आहत होती है तो हम ईश्वर का दर पकड़ते हैं ईश्वर का दर पकड़ते तो काफी कुछ अच्छा भी हो जाता है बाह्य रूप से फिर हम भूल जाते हैं फिर वो थोड़े थोड़े दिन में फिर ठोकता रहता है इसीलिए भूलो बात उसको ठोकने की बारी ना आवे <laughs> क्यों क्योंकि वो समझता है कि आप लायक हो उसके काबिल हो ये तो सबसे अच्छी बात है तो निराश नहीं होना चलते चलते थकना नहीं क्योंकि हम तो कई वर्षों से कई जन्मों से कई युगों से चल रहे हैं आज की थोड़ी चले कई युगों से चल रहे अब वो थकान मिटानी है हमको तो सेवा की थकान आने दे साधन की थकान आने दें व्रत तप जप की थकान आने दें तब वो कई जन्मों की थकान मिटा देगा कि नहीं हाय हाय तो बोलो हाय पर हम लोग ये मजे की बात है कि पिछले साल की जो परिक्रमा थी वो 20 किलोमीटर की थी 16 से 20 और वो सारी पैदल की थी तो इतने नहीं थके थे जितना बस में बैठ के थके सच कह रहे हैं बहुत बहुत सच कह रहे हैं क्यों क्योंकि ये मन है ना गधा है एक नंबर का इसको पता है कि पीछे बस खड़ी है बैठ जाना तो थोड़ा चले तो आनंद लिया फिर आसरा था ना कि पीछे बस है जैसे ही बैठे तो टांगे धक धक होने लगी कि बहुत चले बहुत चले थक गए अब थक गए थक गए तो थक गए पिछले साल एक मिनट के लिए भी किसी गाड़ी में नहीं बैठे थे सही है ना जो थे वो उनको पता होगा हाँ और इसमें तो बसों में बढ़ बढ़ के थक गए हाँ वही तो देख। जितनी देर चले उतनी देर थकान नहीं थी सच बताओ पर जैसे ही बस में बैठे ना सारी थकानें निकल निकल के बाहर आई इसका मतलब शरीर को और मन को छूट नहीं देनी चाहिए इसका मतलब ये करना है तो कंटिन्यूटी में करना आधा करेंगे आधा ऐसे तो फिर मन भी बेईमानी करता है। इसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल है मन हाथी से भी बलवान है मन वायु से भी तेज है अर्जुन कहते हैं कृष्ण से तो मन लगेगा कैसे जब ऐसा चंचल होगा तो हां बार बार मन की बदमाशियों को समझते हुए उसे खींचकर मेरे में लगाता रहे जो मैंने अभी बताया कि कुछ ना करो केवल इतना करते हो हमसे वो भी नहीं होता ना हम वो भी भूल जाते हैं इतना ही तो करना है जो कर्म करते हैं हे नाथ मैंने तेरे लिए किया हे परमात्मा मैं तेरे लिए कर रहा हूँ इतना बोलने में क्या जाता है आप भले झूठ में बोलोगे वो सच में सुनेगा क्योंकि वो सत्य स्वरूप है और हम झूठे हैं तो झूठ बोलते हैं वो सच्चा है तो सच लेता है इसमें हमारी बड़ी जम जाती है <laughs> नहीं समझे जैसे किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में रखा तीन पार्टनर है उसमें एक बड़ा मक्कार है और एक बड़ा ईमानदार है तो ये तो पक्का समझ लो कि आप कुछ भी कर लो वो बेईमानी नहीं करेगा पर जो मक्का है तो आप कितना ही कर लो ईमानदारी उसके खून में नहीं आएगी ठीक है तो हम क्या सोचते हैं कि अगर पार्टनरशिप करनी है तो ईमानदार व्यक्ति सही करे उसका फायदा मिलेगा हमको तो हमको इनका बड़ा फायदा है हम तो पे बेझुड़ बे बोले जाते हैं और ये उसको सची समझता रहता है तो हमारी जमती है नहीं समझे हर आदमी अपने लेवल से देता है ना देखो अगर आप बहुत पैसे वाले हो बहुत अमीर हैं तो हम अगर किसी को कुछ गिफ्ट देंगे तो अपने स्टेटस के साथ देंगे ना अपना स्टेटस जैसा होगा भाई देखो ये आए और छोटा सा ओ, दस रुपए का उठा के खिलौना ले आए नहीं अगर आप अमीर हो तो आप सोचोगे तीन चार हजार की चीज तो होनी चाहिए तो हर आदमी जो खुद है दूसरे को वैसा ही देता है अपने स्टेटस के हिसाब से है कि नहीं तो इनका भी स्टेटस बहुत बड़ा है ये अपने हिसाब से देते हैं इसीलिए इसे बार बार ठोकते रहना पड़ता है ये महा ईमानदार है परम श्रुद है करुणा का खजाना है हमारे में पाप करने की उतनी ताकत नहीं है जितनी उसके पास क्षमा करने की ताकत है हमें अपना अहित और दूसरों का अहित करने में उतना बल ही नहीं है जितना उसका आपके प्रति हित चिंतन करने का सामर्थ्य है परम हित है परमात्मा अत्यंत सुदृढ़ है अत्यंत करुणा निधान है अगर ऐसा ना होता तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि जैसे आप हैं उससे कहीं अधिक आपके पास बहुत कुछ है है कि नहीं जैसे हम हैं ना जो कुछ हम हैं उससे हमारे पास बहुत अधिक मिला हुआ है कितने लोग इस बात को मानते हो हाँ क्यों क्योंकि वो आपकी गलतियों को गिनता नहीं ना देता चला जाता देता चला जाता देता चला जाता तो करुणा निधान है कृपा सिंधु है परम श्रद्ध है आप कितना ही अपना अहित करना चाहो पर आप नहीं कर सकते परम हितेश तो उस पर आस्था रखते हुए आगे बढ़ते रहो थकना मना है थकना मना है दुखों के आगे झुकना मना है क्यों क्योंकि हमारे पास परम सामर्थ्यवान सदगुरु परमात्मा बैठा है हमारे पास परम सामर्थ्यवान भगवान है इसलिए थकना मना है